ईट ईस्ट इंडियन हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम बनाएंगे पतीसा घर पर, सोन पापड़ी घर पर। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको सिर्फ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये स्वादिष्ट मिठाई घर पर आसानी से बन सकती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कुछ देसी घी की, बेसन की, मैदा, चीनी। बस यही 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैदा और बेसन को मिक्स कर लें, इसे एक तरफ रख दें। उसके बाद घी को हम अपने पैन में मेल्ट कर लेंगे। आपको ये पूरी की पूरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तो हमने घी को मेल्ट कर लेना है। थोड़ा वार्म हो गया तो इसके अंदर हम अपने बेसन और मैदे को मिला लेंगे। मैदा तो हमारा ऑल पर्पज़ फ्लावर है और बेसन ग्राम फ्लावर, चिकपी फ्लावर बेसिकली। इसे अच्छे से मिलाना है और तेज़ी से मिलाना है ताकि कि गिल्टियाँ ना बने। गिल्टियाँ बनेंगी तो स्वादिष्ट नहीं होगा, ठीक से नहीं भुने जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे भूनेंगे जब तक कि इसका रंग दो शेड डार्क ना हो जाए और अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जब ये आनी शुरू होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा तैयार है मिश्रण। अब इसको थोड़ा सा गैस से उतार के एक तरफ रख दें और अपनी चाशनी तैयार कर लें। चाशनी के लिए हमें बहुत ही थोड़ा पानी चाहिए। बेसिकली हमने चीनी को मेल्ट करना है। चीनी को हमने पानी में डालकर उबाल लेके आएंगे। जब चीनी अच्छे से पानी में घुल जाएगी तो उसे थोड़ा बॉयल होने देंगे ताकि थोड़ा मिक्सचर जो है हमारा थिकन हो जाए। जब तक ये सब हो रहा है गैस पर, हम प्लास्टिक रैप को एक लकड़ी के प्लेटर पर बिछा लेंगे। आप कोई प्लास्टिक प्लेट भी ले सकते हैं। ये इसलिए किया है ताकि जो हमारा मिश्रण है वो चिपके नहीं प्लेट के साथ। तो ये हमने तैयारी करके रख ली है साइड पे। ओके, ये चाशनी तैयार हो रही है। देखें कि कितनी थिक हो गई है। ये बिल्कुल पतली नहीं, थिकन चाहिए आपको। जब ये गाढ़ा हो जाएगा मिश्रण तब आप उतार दें इसको गैस से। और सरता सरता गर्म नहीं चाहिए हमें, फिर भी गर्म होना चाहिए। तो इस गर्म मिक्सचर को हमने खूब अच्छे से तेज़ी से चम्मच हिलाते हुए अपने बेसन और मैदे के मिश्रण में मिला लेना है। जितना तेज़ी से चलाएंगे उतने ही अच्छे तार बनेंगे। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। आपकी जितनी इच्छा हो उसके हिसाब से आप इसे मिक्स कर लें, उतने ही तार फॉर्म हो जाएंगे। और ये आपकी सोन पापड़ी बन रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारी किचन में। और अब हम इसको तेज़ी से मिला के अपने बर्तन पे फैला लेंगे अच्छे से। बहुत ही आसान होता है, बस एक बारी आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं तो तेज़ी से हाथ चलाएं, इसको अच्छे से फैला लें। हम अपनी रोलिंग पिन यूज़ कर रहे हैं बेलना। आप दूसरा प्लास्टिक का पेपर भी इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं और हाथ से इसे पतला कर लें। और बस इसको कूल होने दें। जब ये एक बारी कूल हो जाएगा तो इसे उतारना बहुत ही आसान होता है। अब जब ये गर्म है हम इस पर थोड़ा सा काजू वगैरह भी डाल सकते हैं। आप पिस्ता डाल लें, बादाम डाल लें, जो भी आपकी इच्छा हो। और इसको हल्का हल्का प्रेस कर दें तो ये चिपक जाएगा आपके पतीसे के साथ। और जब ये कूल हो जाएगा तो इसे उतारना बहुत ही आसान होता है। देखिए कितनी आसानी से ये उतर जाता है। अब हम बस इसे टुकड़ों में काट लेंगे। आपकी पसंद के शेप के टुकड़े काट लें, चौरस रख लें, उन्हें डायमंड शेप में काट लें या ऐसे ही टुकड़ियाँ बना लें और इन्हें सर्व करें। अब देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये फ्रिज में बहुत दिनों तक चल जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप फ्लेक्स को देख सकते हैं। तो आपकी सोन पापड़ी तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए और मैं आस करती हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे।